हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू एसी ट्रेडिंग ज्ञान। तो फ्रेंड, आज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं हिंदुस्तान कॉपर शेयर का टेक्निकल एनालिसिस। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदुस्तान कॉपर शेयर में बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। गिरावट जो यहाँ पे इम्पैक्ट है मार्केट का, मार्केट में पूरी तरीके से गिरावट हमें दिखाई दे रही है। सेंसेक्स में भी गिरावट है, निफ्टी बहुत ज़्यादा आज गिर चुका, बैंक निफ्टी भी गिरता है वो हमें दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि यहाँ पे सारे के सारे स्टॉक आज हमें गिरे हुए दिखाई दिए। तो फ्रेंड, यहाँ पर हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, हिंदुस्तान कॉपर के शेयर को लेकर के हमारा क्या व्यू यहाँ पर रहेगा, इस पर हम यहाँ पर करने वाले। तो फिर यहां पर आपको बताएं, ये जो चार्ट आपके सामने प्रेजेंट किया गया, यह डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट यहां पर एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट करते हुए आपको शो कर रही है। ये देखिए, मैंने यहां पर हाईलाइट भी कर दिया। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, हिंदुस्तान कॉपर का जो स्टॉक है इसकी एक रेंज है जहां पर बहुत लंबे समय तक इसे टाइम स्पेंड किया था, लेकिन उसके बाद ये रेंज ब्रेक हुई है। जब से स्टॉक नीचे तो आया था लेकिन वापस अपनी पुरानी रेंज में लौट गया। अभी कौन सी रेंज है उस पर हम डिस्कस यहां पर कर लेते हैं। तो फिर यहां पर आप देखिएगा, 130 रुपए का जो प्राइस पॉइंट है इसे आप गौर कीजिएगा। ये देखिए, 130 रुपए का जो प्राइस पॉइंट यहां पर कंसोलिडेशन आपने देखा, और यहां से जब स्टॉक नीचे की तरफ गिरा है तो आपको 108 रुपए तक स्टॉक यहां पर गिरता हुआ दिख जाता है। 108 110 रुपए का रेंज आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। यहां पे 20 पॉइंट की रेंज आपको दिखाई देती है। फिर से स्टॉक जब ऊपर की तरफ चलता है तो यहां पे रेजिस्टेंस फेस करता है वापस सेम लेवल जहां पर आपको 130 रुपए का प्राइस पॉइंट दिखाई दिया था। ये देखिए, यहां पर फिर से रेजिस्टेंस फेस करने के बाद स्टॉक में होती है फिर से गिरावट, और ये गिरावट स्टॉक को फिर से कहां ले गई, तो आप देखेंगे 108 रुपए के लेवल तक गिरावट स्टॉक के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। और यहां पर स्टॉक आपको क्या करता हुआ दिखाई देता है, तो यहां पर स्टॉक आपको कंसोलिडेट करता हुआ यहां पर दिखाई दे जाता है। इसके अलावा आप यहां पर देखेंगे, एक सपोर्ट आपको यहां पर भी दिखाई दिया। दो सपोर्ट लेते ही स्टॉक ऊपर की तरफ चलता है और अब यहां पर बनता है W, और ये W यहां पर देता है ब्रेकआउट। ये देखिएगा, यहां पर ब्रेकआउट मिला। किस लेवल की बात कर रहे हैं, 130 रुपए के लेवल को ब्रेकआउट मिला, और ब्रेकआउट के साथ ही स्टॉक कहां गया, तो 150 के भी ऊपर तक स्टॉक आपको जाता हुआ यहां पर दिखाई देता है। इसके बाद स्टॉक में फिर से क्या होती है, गिरावट, और ये गिरावट जब हुई है तो वापस से कंसोलिडेशन का दौर हुआ है। देखिए कहां पर हुआ है, 129 रुपए पर, यहां तक मैंने इसको डाउन किया और यहां पर एक कंसोलिडेशन है जिसे मैं यहां पर रेक्टेंगल के अंदर आपको बता देता हूं। ये देखिए कितनी सारी कैंडल यहां पे कंसोलिडेट कर रही है और फाइनली होती है यहां से गिरावट, लेकिन गिरावट का जो सपोर्ट पॉइंट है वो एग्जैक्ट अभी भी वही बना हुआ है। ये देखिए, मतलब एक मेजर सपोर्ट है जो कि 108 रुपए पर निकल करके आता है। ये तीसरी बार इसने यहां पर सपोर्ट ले लिया, इसका स्टॉक फिर से ऊपर गया, रेजिस्टेंस फेस किया 130 रुपए के अराउंड, वापस से गिरावट होती है। गिरावट कहां तक हुई है तो आप देख सकते हैं, यहां पर गिरावट का जो लेवल है एग्जैक्ट लेवल हमारा 108 रुपए का जो लेवल है वहां तक इसके अंदर गिरावट हमें देखने को मिलती है। वापस स्टॉक तेजी से ऊपर की तरफ चला और इस बार ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन लगभग यहां पर 140 तक स्टॉक हमें जाता हुआ दिखाई दे दिया। ये देखेंगे, यहां तक स्टॉक जाने के बाद स्टॉक जो है फिर से गिरता है, वो गिर करके स्टॉक कहां पर आया तो आप देखेंगे स्टॉक में जो गिरावट हुई वो यहां पर 115 रुपए तक आपको देखने को लगभग मिलती है, और वापस से स्टॉक करेक्ट करके ऊपर की तरफ चला जाता है। ये देखिएगा, यहां पर स्टॉक ने 150 तक जाने की कोशिश की लेकिन फाइनली सफल नहीं हुआ, 150 तक नहीं जा पाया, यहां से स्टॉक में गिरावट। लेकिन अब वापस आप देखिए, आखिर ये क्या है, ये वापस से सपोर्ट कहां ले रहा है, फिर सपोर्ट कहां आ रहा है, 110 रुपए पे वापस से। तो फिर ये सपोर्ट कोई आम सपोर्ट यहां पर बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ही खास सपोर्ट यहां पर बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ऊपर की तरफ स्टॉक जाता है, फिर से रेजिस्टेंस 129 रुपए का, फिर से गिरावट, और फिर से वापस आप देखेंगे नीचे की तरफ 110 रुपए के आसपास का सपोर्ट। तो ये सपोर्ट क्या है, ये बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। ये जब भी ब्रेक हुआ फिर स्टॉक कहां गया वो आपको मैं यहां पर बताने वाला हूं। ये देखिएगा, स्टॉक में फिर से तेजी आई 130 रुपए तक की, और फाइनली यहां पर होता है ब्रेकडाउन। ये देखिएगा, यहां पर मैं आपको ब्रेकडाउन बता रहा हूं, ये रेक्टेंगल मैंने आपको बता दिया, और अब जो ब्रेकडाउन हुआ उसने 90 रुपए तक स्टॉक को गिराया, मतलब 110 रुपए से 90, नीचे भी 20 पॉइंट की रेंज यहां पर बनते हुए हमें दिखाई दे रहा है। ये देखिए, इस गिरावट के बाद स्टॉक यहां पर सपोर्ट ले रहा था, वहां पर अब रेजिस्टेंस फेस करता है। ये देखिएगा, यहां तक स्टॉक ऊपर की तरफ गया, वापस नीचे लौट करके आया, फिर 90 रुपए के नीचे तक स्टॉक आपको जाता हुआ दिखाई देता है, लेकिन यहां पर भी कंसोलिडेशन आपको देखने को मिल जाता है। ये देखिए, इतना पूरा एरिया यहां पर सारी की सारी कैंडल कंसोलिडेट कर रही है, और यहां से स्टॉक जब वापस ऊपर गया तो ब्रेकआउट लिया, ब्रेकआउट लेने के बाद स्टॉक वापस ऊपर जाते ही रिटेस्टिंग के लिए अपने सपोर्ट को वापस टेस्ट करने के लिए नीचे की तरफ आता है। ये देखिएगा, नीचे रिटेस्टिंग किया, वो रिटेस्टिंग करते ही स्टॉक वापस से ऊपर की तरफ भाग जाता है। यहां पर आप देखेंगे स्टॉक वापस ऊपर की तरफ 125 तक यहां पर लगभग जाने की कोशिश करता हुआ हमें दिखाई दिया, लेकिन फाइनली यहां पर स्टॉक में होती है गिरावट, और ये गिरावट का जो कारण है मार्केट का इंपैक्ट है। तो मैं आपको यहां पर रिकमेंड करना चाहूंगा, अभी आपको एक मौका मिल रहा है 106 रुपए पे, 106 रुपए पे भी अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो ऊपर की तरफ आपको वापस 130 रुपए
टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आपको बाइंग कब करना है, तो फिर यदि कल को यहाँ पर ग्रीन कैंडल बने तभी आप इसके अंदर एंट्री करें। अभी रेड कैंडल कंटिन्यू बनती है, बिल्कुल भी एंट्री यहाँ पर नहीं करना है। यदि रेड कैंडल कंटिन्यू रहेगी तो स्टॉक 100 रुपीज से लेकर 90 रुपए तक भी फिर से आ सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक मौका है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट का इंपैक्ट स्टॉक के अंदर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर यदि स्टॉक ऊपर की तरफ चला कल को ग्रीन कैंडल के साथ, तब आपको इमीडिएटली इसमें एंट्री करके 129 का यहाँ पर टारगेट रखना चाहिए। तो कहाँ पर होगी आपकी एंट्री, 106 रुपए के आसपास की आपकी अगर एंट्री होती है, 130 का आप टारगेट रखेंगे। नीचे की तरफ आपको रिकमेंड करूंगा 95 रुपीज का आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना होगा। तो फिर 95 रुपीज का स्टॉप लॉस की रिस्क को समझते हुए आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। और यदि यहाँ पर आप एंट्री करते हैं ऊपर की तरफ 20 पॉइंट का आपको टारगेट भी मिलता है। यदि आप यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं भी रखेंगे तो स्टॉक यदि ज्यादा गिरता है और 90 रुपए तक आ जाता है, तब आप अपने क्वांटिटी को एक्यूमुलेट करके अपने प्राइस को एवरेज कर सकते हैं, जिससे कि कोई रिवर्सल आए तब आपको डेफिनेटली यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं आप। तो फिर यहाँ पर किस तरह की स्ट्रेटजी आपको अपनाना है, या तो स्टॉप लॉस रखें या फिर स्टॉप लॉस ना रखें तो क्वांटिटी एक्यूमुलेट करने के लिए फंड को अवेलेबल यहाँ पर रखना होगा। तो फिर यह था हमारा टेक्निकल व्यू हिंदुस्तान कॉपर शेयर को लेकर के। इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को अभी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।